खबर है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने लकी मरवत में दहशतगर्दों के 3 हमले पसपा कर दिए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। मजीद जानते हैं लईक उर रहमान से। जी लईक, आगाह कीजिएगा। जी, सिक्योरिटी फोर्सेज को लकी मरवत में काफी दहशतगर्दों की तरफ से सख्त सामना करना पड़ा। मजबूरी तौर पर 3 हमले हुए सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, जिसका आगाज एक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार की तरफ से हुआ, जिसने लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज की पोस्ट के बाहर खुद को उड़ाया और उसके बाद उसके जो दिग्गज साथी थे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग की। इस दौरान होने वाली फायरिंग के शदीद तबादले में जो पहला वाकया था उसमें 4 दहशतगर्द मारे गए। यहां से जो बाकी दहशतगर्द थे उन्होंने पसपा होकर भागने की कोशिश की तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें अमीर कलाम और तजेबी खेल, ये 2 मुख्तलिफ मकाम हैं जहां पर उनको रोका और उनके साथ फायरिंग के मजीद तबादले के बाद 3 दहशतगर्द मजीद मारे गए, जिनमें से एक कमांडर मूसा खान शामिल है। इन फायरिंग के तबादलों में सिक्योरिटी फोर्सेज के 3 अहलकार शहीद भी हुए हैं, जिनमें नायब सूबेदार ताज मीर, हवालदार जाकिर अहमद और सिपाही आबिद हुसैन शामिल हैं जो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया, जिसका मकसद यह था कि अगर मुमकिन तौर पर वहां दहशतगर्द मौजूद हैं तो उनका खात्मा किया जा सके। आईएसआर की तरफ से इस बात का एक बार फिर अजम का इरादा किया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और जवानों की कुर्बानियां उनके हौसलों को मजीद तकवीत देती हैं। जी शायद ठीक है, बहुत शुक्रिया लईक उर रहमान, आपने आगाह किया।